मुझे मेरी बॉल वापस दो। नहीं दूंगा, तुमने मेरी बॉल पानी में डुबा दी, अब मैं तुम्हारी बॉल को भी डुबा दूंगा। तुमने पानी में फेंक कर देखा पर मेरी बॉल नहीं डूबी, यह अच्छी बॉल है इसीलिए नहीं डूबेगी। अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब देखो ना स्माइली, टिंकू मान ही नहीं रहा कि मेरी बॉल अच्छी है। तुम दोनों तो बिल्कुल ही बुद्धू हो। अरे टिंकू, गप्पी की बॉल चाहकर भी इस झील के पानी में नहीं डूबेगी, पर वो इसलिए नहीं क्योंकि उसकी बॉल अच्छी है और तुम्हारी बेकार। तो फिर किसलिए? इसके पीछे छिपा है विज्ञान का एक राज। चलो आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। गप्पी, क्या तुम मेरे लिए वहाँ से एक सूखा पत्ता लेकर आओगे? हाँ हाँ अभी लाया। टिंकू, क्या तुम वहाँ से एक पत्थर लेकर आओगे? अरे वाह स्माइली, सूखे पत्थर पानी में तैर रहे हैं। हाँ, और ये पत्थर तो पानी में डूब गया। ऐसा क्यों हुआ स्माइली? क्योंकि ये पत्ता पानी से हल्का था इसीलिए वो नहीं डूबा, और पत्थर भारी था इसीलिए वो डूब गया। पर कौन सी वस्तु पानी में डूबेगी और कौन सी नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा? सघन वस्तु, जिसे हम अंग्रेजी में डेंस ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसका वजन पानी के वजन से ज्यादा होता है, जैसे ये पत्थर। अब समझा, पत्थर पानी से भारी था इसलिए वो डूब गया। और खोखली वस्तु यानी हॉलो ऑब्जेक्ट का वजन पानी से हल्का होता है इसलिए वो पानी पर तैरती है। अच्छा, मतलब ये पत्ता खोखली वस्तु थी और पानी से हल्की भी, इसीलिए ये नहीं डूबी। मैं तुम्हें एक और उदाहरण दिखाती हूँ। क्या तुम्हारे पास एक सिक्का है? हाँ है ना, ये लो। अब ये देखो, ये तुम्हारा सिक्का है और ये मेरा रबर बैंड। अब मैं इन दोनों को पानी में फेंकूंगी। तुम्हें क्या लगता है टिंकू, मेरा सिक्का डूबेगा या तैरेगा? मुझे तो लगता है ये डूब जाएगा। ये देखो दोस्तों, सिक्का डूब गया और रबर बैंड तैरने लगी। अब हम समझ गए स्माइली। सॉरी गप्पी, मैंने तुम्हारी बॉल डुबाने की कोशिश की। सॉरी टिंकू, मैंने तुम्हारी टेनिस बॉल को गंदा कहा। धन्यवाद स्माइली, हमें पानी के उछाल के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो आपके आसपास ऐसी कौन सी वस्तु है जो पानी में तैरेगी और डूबेगी? एक कटोरे में पानी भरकर उसमें अपनी पेंसिल और चम्मच डालकर देखें और अपने दोस्तों को बताएं कि कौन सी वस्तु तैरी और कौन सी डूब गई। उम्मीद है आपको हमारा ये विज्ञान का वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।